हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। टुडे माय प्रोग्राम इज़ डेडिकेटेड टू स्वामी नारायण। स्वामी नारायण, इस बालक का फोटो आप देख सकते हैं। बेसिकली ये देर इज़ ए ब्यूटिफुल मूवी ऑफ 45 मिनट्स इन अक्षरधाम टेम्पल विच इज़ वेरी नियर टू माई होम। द मिस्टिक इंडिया चाइल्ड्स इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ इंस्पिरेशन एंड दिस बॉय बिकम द Swami Narayan. So the most important fact of today's are Ajanta Ellora की श्रेणी में शामिल होगा सारनाथ स्मारक। प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक सारनाथ का एक स्मारक देश दुनिया में पहले ही पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थान का अलग ही महत्व है। लेकिन अब यह स्मारक ताजमहल अजंता और एलोरा की गुफाओं की श्रेणी में शामिल हो सकता है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वाराणसी स्थित सारनाथ स्मारक को विश्व धरोहर में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी है। ASI से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सारनाथ स्मारक का प्रस्ताव यूनेस्को भेजने के लिए डोजियर तैयार किया जा रहा है, जिसमें फरवरी में होने वाली संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार जून 2020 में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद इसकी यूनेस्को अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज पाकिस्तान से भारत के कारोबार की तस्वीर। तो अगर हम देखा जाए पाकिस्तान से भारत के जो कारोबार होता है 2018-19 में, तो वो था 1,44,200,2006-51। हताशा से भरा व्यक्ति कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे उसे खुद का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। पाकिस्तान भी इन दिनों इसी मनस्थिति से जूझ रहा है। भारत ने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का जैसे विशेष दर्जा खत्म किया, पड़ोसी देश को मिर्ची लगने लगी। लिहाजा उसने अन्य कई कदमों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी खत्म कर दिए। कुछ दिन पहले जिस कारोबारी रिश्तों की बढ़ावा देने की भारत से दुहाई दे रहा था, झल्लाहट और बौखलाहट में उसे खुद ही समाप्त कर दिया। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है, जाको प्रभु दारुड़ दुख दिन्हा ताकि मती आगे हर लिन्हा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए कदम आत्मघाती साबित होगा। विभिन्न देशों और संस्थाओं से ऋण लेकर देश चला रहे पाकिस्तान की मती मारी गई है। कम से कम भारत से उसके व्यापार के आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं। The next most important fact is downgraded at the stroke of a pen. The move to convert Jammu and Kashmir into a union territory could open a Pandora's box. The Indian government decision to revoke the special status of Jammu and Kashmir raised many constitutional questions. One important question is whether the president had the power to hold the provision of India's constitution applied to the state. Another is whether the Indian government was authorized to do this in the face-to-face its obligation J&K under Article 370, even assuming for a moment that this question did not rise. A further question that crop up, did Parliament have authority to bifurcate J&K into two union territory? Yes, it is. Social reforms at the Snell's Peace. To be seen as a statesman, the Saudi prince needs to be free political prisoners and end the Yemen war. In the interview in April 2018, Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salim hinted that the country's male guardianship laws, which leave the legal and personal affairs of women in the hands of their male relatives, would be changed. Before 1979, the year of the Iranian Revolution and the siege of the Mecca, there was societal guardianship customs, but no guardianship laws. It doesn't go back to the time of the Prophet. We want to move on, he told Atlantic magazine. 16 months later, Saudi Arabia has amended the guardianship system. Under the new laws, women of 21 years or above may obtain passport which will allow them to travel without male consent. They will also be permitted to register marriages, divorces, births and deaths, and to receive family records. This
followed last year's landmark decision to allow women to drive. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Swami Narayan ji, aapko mera sat sat naman.